हेलो एवरीवन, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो है क्रिकेट का, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे गांव में क्रिकेट खेला जाता है, वो कैसे मैं आपको यहाँ पे पूरा दिखाऊंगा। और आज आपने मेरा पूरा वीडियो यहाँ पे ध्यान से देखना है। सो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा ग्राउंड क्रिकेट का, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आज संडे है, छुट्टी है, तो सभी लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, ठीक है। और हमारा गांव का क्रिकेट इस तरह का होता है, यहाँ पे हिमाचल का। और यहाँ पे हमारा भाई यहाँ पे बैटिंग कर रहा है, और लगता है ये टीम जो बैटिंग वाली टीम है जीतने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम रन मारे हैं उन्होंने। दूसरी टीम में टोटल यहाँ पे 15 रन मारे थे, और 6 ओवरों में यहाँ पे 15 ही रन मारे, लेकिन यहाँ पे अभी जो है मुझे लगता है 8-10 रन हो चुके हैं, और ये टीम भी जीतने वाली है, जो बैटिंग वाली टीम है ये जीतने वाली है। और लगता है कि यहाँ पे आउट हो चुका है बैट्समैन। अब नेक्स्ट जो बैट्समैन यहाँ पे आ चुका है खेलने के लिए, और बिल्कुल ही देसी तरीके से यहाँ पे क्रिकेट हम खेलते हैं। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टंप्स हैं यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या रखा गया है, एक बोरी रखी है, उसके पत्थर रखा है। यहाँ पे बॉलिंग डाल रहे हैं, ओ तेरी, और इन्होंने जो स्पॉन्सर लगाया हुआ है, इन्होंने 200 रुपये लगाए आज हमारे आबू ने। कितना लगाया, 200? 200 मैंने और 100 रुपया बंडो अच्छे। चलो बढ़िया, तो जीतने वाले शायद लास्ट ओवर है इसके बाद। और जो कैप्टन है बैटिंग वाले साइड के, जो कैप्टन है वो खेल रहे हैं शायद अभी। ये कैप्टन है, और अभी और उन्हें वो शॉट लगा दिया है, वो नीचे नाली है जहाँ पे रन चुराना बहुत इजी रहता है। चार रन जो है जीतने के लिए बचे हैं शायद। और पीछे रन नहीं शायद, क्योंकि अभी पीछे जब जाएगा बॉल तो रन नहीं रखे हैं पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे पूरी नाली है। उन्नीस गेंदों में 5 रन बचे हैं शायद, 19 गेंदों में 5 रन बचे हैं। चलो देख लेते हैं जीतते हैं या नहीं। बस बॉल डाल रहे हैं, और बॉल आ गया, और ये आउट बॉल्ड। क्या मुझे लगता है कि काफ़ी कांटे की टक्कर यहाँ पे होने वाली है। 18 गेंदों में चाहिए अब 5 रन, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर जो खेलने वाले सभी आउट हो चुके हैं। तो उन्होंने बैट लगाई है शायद, हमारे आबू भाई ने बैट यहाँ पे लगाई हुई है, 100-100 की बैट लगाई है, जो जीतेगा उसे जो है 100 रुपये मिल जाएगा एक्स्ट्रा। और लगता है कि काफ़ी कांटे की टक्कर यहाँ पे होने वाली है, और ये आ गया बॉल और नहीं खेल पाए। चलो नेक्स्ट बार खेलेंगे, अभी तो इनसे बॉल नहीं, टच भी नहीं हो रहा बॉल। कितने रन बचे भाई, 4 रन, 5 रन? नहीं टच कर, नहीं टच नहीं कर पा रहे। दो रन बचे हैं, तो जीतने के लिए शायद 2 ही रन बचे हैं। अब 12 गेंदों में 3 रन बचे हैं, तो शायद बैटिंग वाली टीम वो जीत जाएगी। नहीं खेल पाए, बहुत मुश्किल है, 3 रन मारना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉल जो है दिखाई नहीं दे रही शायद कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे पिच में थोड़ा सा अंधेरा है।
ओ उठा दिया उन्होंने शॉट, और ये वापस आ गया, और इनकी किस्मत ही खराब है, बॉल ही वापस आ गया यहाँ पे। ड्रॉ होने के लिए एक एक, एक रन बचा, जीतने के लिए दो रन बचे शायद। और बॉलिंग वाले बोल रहे हैं कि बहुत मैच, अभी बहुत मैच है। ओहो शॉट लगा दिया भाई ने, शॉट लगा दिया है काफी लंबा, और ये जीत गए मैच, और ये मैच जीत चुके हैं यहाँ पे, बैटिंग वाली टीम यहाँ पे मैच जीत चुकी है। तो खुशी देखने को दिख रही है यहाँ पे, और जीत गए हैं कैप्टन और उप कप्तान जो है, दोनों खुशी जो है यहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे हैं अपनी जीत का, और कह रहे हैं कि काफी टफ है क्योंकि काफी टाइम बाद यहाँ पे, एक साल बाद जो क्रिकेट शुरू हुआ है, क्योंकि हर साल सर्दियों में यहाँ पे क्रिकेट शुरू होता है। सो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। सो बाय बाय।